उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रविवार देर शाम उन्नाव हरदोई मार्ग पर बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नसीरापुर गांव के पास ट्रक और वैन में सीधी भिड़ंत देखने को मिली, जहां तेज टक्कर से वैन में अचानक आग लग गई। वैन में ड्राइवर समेत दो युवक, दो बच्चे, दो महिलाओं समेत कुल 7 लोग सवार थे। तो हादसे के बाद अचानक वैन से उठी आग की लपटों की वजह से कोई भी वैन से बाहर नहीं निकल सका। हादसे में 7 लोग जिंदा जल गए। दमकल कर्मियों ने करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वैन को क्रेन से खींचकर ट्रक से अलग किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक की टक्कर के बाद वैन में धमाके के साथ आग लग गई। आग लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी वैन के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने साथ में दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना भी की। तो मुख्यमंत्री के उन्नाव जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य कराने के निर्देश दिए। तो साथ ही ये तक हिदायत जो है वो देगी, घायलों की तुरंत समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहाँ पे आगरा एक्सप्रेसवे का टॉल है, यहाँ पे एक मारुति ओमनी वैन थी जो आ रही थी। उसको जैसा बताया जा रहा है कि उस वैन का टायर फट गया और वो अपोजिट लेन में घुस गई, सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई। और अभी हम देख रहे हैं कि उसमें सीएनजी का किट भी लगा हुआ है। कुछ वजहों से इसमें आग लग गई, जिसमें कि इसमें जो सवार थे उनकी मृत्यु हो गई है। ओमनी वैन को और जो ट्रक में आग लगा था उसको पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और ओमनी वैन से 7 शव मिले हैं। संवाददाता अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अश्विनी, अब इस पूरे हादसे को लेकर ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए, आज मैं आपको बता देंगे, हादसे के बाद में पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद में सीएम योगी ने भी इसको संज्ञान लिया और उन्नाव के अधिकारियों को आदेश दिए कि इस पे उचित कार्रवाई की जाए और समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए, उनके घर वालों को भी उनके सब को अच्छी तरह से पहुंचाया जाए। जिसको लेकर उन्नाव मछली में सब लाए गए और एक पैनल गठित किया गया, जिसके पैनल गठित करने के बाद में एक डीएम और एसपी खुद मौके पर मौजूद रहे और वहां पर पीएम कराया, रात में ही पीएम करा के और उनके सब को उनके घर वालों को सौंपा गया है। जी, आपको बता दें कि घर में इसमें कोहराम मचा हुआ है। आपको बताया है इसमें 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी थे, जिसकी वजह से लोगों में एकदम एक दहशत का माहौल हो गया है कि ऐसा क्या हो सकता है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि पूरा पूरा 2 परिवार जो है कि एक साथ जिंदा जल गए हैं, जिसको लेकर प्रत्येक एक गम का माहौल है। जी बिल्कुल। अश्विनी, इस पूरे मामले में जो लापरवाही है वो किसके यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 7 लोगों की जिंदगी यहाँ पर चली गई। देखिए, लापरवाही की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि जो गाड़ी जिसकी बुक करके गाड़ी गई थी उसमें कोई सेफ्टी ऐसी चीजें नहीं थी, सेफ्टी गैस सिलेंडर या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से कि आग लगी तो उसको तुरंत उस पर काबू पाया जाए और चीजें। मगर हाँ, ये एक हादसा ही माना जाएगा क्योंकि अचानक से कोई चीज घटी है जिसको लेके ये चीजें सामने आई, जैसा कि उन्नाव। बिल्कुल अश्विनी, लेकिन अब इस पूरे हादसे पर सिर्फ योगी की तरफ से जो दुख जताया गया है, क्या कोई मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से मृतकों के परिवारों को? जी, अभी अगर मुआवजे की बात की जाए तो ऐसा कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, मगर परिवारों की मांग है कि मुआवजा होना चाहिए। आपको बता दें, स्थानीय सदर विधायक पंकज गुप्ता रात में ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और वहां पे उनके परिजनों से मिले और उनको आर्थिक मदद करने की बात कही है। कोई इसी प्रकार की कोई राह नहीं खोली गई है कि कितना किसको दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जुड़ने के लिए।